आज हम पानी के एक बोतल 10 से 20 रुपए में खरीद लेते हैं, लेकिन यही पानी की एक बोतल आने वाले 20 सालों बाद लगभग 80 से 100 रुपए की मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण होगा जमीन में पानी का स्तर बहुत ज्यादा कम होना। दोस्तों, आज मैं आपको आने वाले 30 सालों में हमारी दुनिया में क्या क्या बदलाव होंगे, इंसानों का जीवन कैसा हो जाएगा और भविष्य में महिलाएं क्या करेंगी, इन्हीं सब के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ। दोस्तों, जरा सोचिए, आज से 30 साल बाद दुनिया में इंसान अपना जीवन किस तरह बिता रहा होगा। जिस तरह आज हम साईफाई मूवी देखकर रोमांचित हो जाते हैं, वैसा ही अनुभव विज्ञान के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में मनुष्य करने वाला है। आज से 100 साल पहले भला किसको पता था कि इंसान खुद को हवा में उड़ाने की तकनीक तक इजाद कर लेगा। अगर कोई इंसान पंछी की तरह आसमान में उड़ना चाहता है तो उसे बस अब फ्लाइंग जेट सूट पहनने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जैसे जैसे वीडियो की तरफ आप और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम जानेंगे 30 साल बाद क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, महिलाएं किस तरह के विशेष कपड़े पहनेंगी, भविष्य में नौकरियों का क्या होगा, दुनिया की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, आने वाली भविष्य की महिलाएं पुरुषों पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं रह जाएंगी। वह अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए मशीनों का सहारा लेने लगेंगी। सुरक्षा के लिए उनके पास खास लेजर गन्स और डिवाइसेस होंगे। दोस्तों, आने वाले समय में बहुत सारी सुपर पावर्स इजाद कर ली जाएंगी, जैसे टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस। दोस्तों, असल में ये ऐसी तकनीक है जिनसे मनुष्य बिना बोले ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। टेस्ला कंपनी के फाउंडर एलन मस्क ने इस चीज की कल्पना करके ऐसी सुपर पावर बनाने की शुरुआत भी कर दी है। इसमें मनुष्य के दिमाग में एक खास चिप लगाई जाएगी, इससे उस दिमाग को कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ा जा सकेगा और इंसान का माइंड स्टोर किया जा सकेगा। आने वाले समय में ऐसे ऐसे रोबोट्स बना दिए जाएंगे जिन्हें खरीद कर संबंध बनाए जा सकेंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में आने वाले सालों में मशीनों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बदलाव आएगा। भविष्य में 3D प्रिंटर चीजें बनाएंगे, इन्हें बस कंप्यूटर पर ब्लूप्रिंट देने की जरूरत होगी। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग महज एक महीने में ही कंप्लीट हो जाएंगी। 3D प्रिंटिंग और लेजर तकनीक मनुष्य को सबसे ज्यादा फायदा पहुँचाने वाली है। 20 सालों बाद कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पूरी तरह से इलाज संभव हो जाएगा और 70 वर्ष के बुजुर्ग भी इस बीमारी से लड़ पाएंगे। एरो मोबाइल नाम की कंपनी ने हवा में उड़ने वाली कार्स आने वाले कुछ ही सालों में मार्केट में उतारने का दावा भी करा है, जो न सिर्फ सड़क पर कार की तरह दौड़ेगी बल्कि हवाई सफर भी कराएगी। दोस्तों, यह कुछ दिन ही पहले करे गए एक हवाई कार का एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं। 2050 तक ज्यादातर वाहन बिजली से चलने वाले होंगे जिनसे प्रदूषण नहीं फैलेगा। सड़कों पर पेट्रोल पंप की जगह हर 2 किलोमीटर पर बैटरी चार्जिंग स्टेशन खुल जाएंगे। गूगल जैसी बड़ी कंपनीज आने वाले 6 सालों में इंटरनेट की स्पीड को और ज्यादा तेज करने के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। दोस्तों, 30 सालों बाद दुनिया की जनसंख्या 900 करोड़ के पार होगी, जो वाकई में बहुत ज्यादा ही गंभीर विषय है। साथ ही 50% से भी अधिक जॉब उस समय रोबोट कर रहे होंगे। इन रोबोट का पहले इस्तेमाल रेस्टोरेंट, फैक्ट्रीज और ऑफिस में अभी से शुरू हो चुका है। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ से निपटने के लिए इंजीनियर्स ऐसी बस बनाने में लगे पड़े हैं जो एक साथ कई यात्रियों को बिठाकर केवल अपने 2 पैरों पर दौड़ सके। इस तकनीक से ऐसे वाहन सड़कों पर चलने के लिए ना के बराबर जगह लेंगे और यह बसें हवा में झूलती होंगी, जिनसे सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फैक्ट शेयर को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं मिलूंगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।